वाले देश में हम रहते हैं। हमारे लिए सभी सम्मानित व्यक्तित्व ईश्वर की तरह हैं। आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और अब जो है हम मंथन सत्र की ओर बढ़ रहे हैं, और सबसे पहले उस परिचर्चा में अपने विचार रखने के लिए मैं जिन्हें आमंत्रण दे रही हूं वो हैं डॉक्टर जितेंद्र नागर जी। इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा से तो वो हमें वाकिफ कराएंगे ही, और साथ ही साथ सम्मानित व्यक्तित्वों का अभिनंदन और स्वागत संबोधन के जरिए करेंगे, और साथ ही उनके क्या विचार हैं, उनके भीतर ये कुल बुलाहट कैसे आई। देखिए किसी भी काम को करने, हाँ मुझे एकदम से अब डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का शेर याद आ गया कि किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, किसी भी काम को करने की चाहें पहले आती हैं, अगर बच्चे को गोदी लो तो बाहें पहले आते हैं, और हर एक कोशिश का कम दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है, हर एक कोशिश का दर्जा कामयाबी से भी ऊंचा है कि मंजिल बाद में आती है, राहें पहले आती हैं। तो उसी कोशिश में लगे हुए, कोशिश ही कामयाबी का दूसरा रूप है। आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र नागर जी को मैं बहुत सम्मान के साथ, मान के साथ मंच पर बुलाना चाहूंगी कि वो आएं और अपने विचार रखें, और हम अपनी अपनी जगह अपनी अपनी भूमिका अच्छे से निभाएंगे और क्या करेंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू मैम, आप इतना सुरीली और इतना अच्छा संचालन करते हैं कि जो वक्ता है उनकी समझ में नहीं आया कि वो किस तरीके से अपनी बात प्रेषित करेंगे। मैं सर्वप्रथम आयोजन समिति की तरफ से जो विश्व जल दिवस के उपलक्ष्य में, क्योंकि कल जल दिवस है और क्योंकि एक दिन पहले छुट्टी भी थी और तीन दिन से हमारा ये हिंडन महोत्सव भी चल रहा था तो उसका भी एक समापन है, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक परिचर्चा के तौर पर हिंडन मंथन में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं कि ऐसी विषम परिस्थितियों में जहां दोबारा से देश में कोरोना का संकट फिर से शुरू हो गया है और तीन दिन पहले शहर में जिला प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई गई जिससे ऐसे प्रोग्राम करने की परमिशन भी नहीं होती, लेकिन हमारे सत्येंद्र जी का बहुत अथक प्रयास था कि उन्होंने पहले ही जिलाधिकारी GDA से यहाँ करने की परमिशन ली हुई थी, लेकिन हमारे बहुत सारे साथी इस स्थिति में पड़े हुए थे कि शायद प्रोग्राम होगा नहीं होगा, लेकिन आप जैसे बहादुर लोग मैं देख रहा था अभी लगभग 92 के आसपास सिग्नेचर हमारे हुए हैं, तो हम तो सोच रहे थे शायद 50 भी नहीं हो पाएंगे। पहले तो मैं चाहूँगा आप अपने लिए एक बार ताली बजाएं कि 92 आए और अभी कुछ रास्ते में हैं तो हम शायद 100 का आंकड़ा पूरा कर लेंगे। वो भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है, सिर्फ गहन चिंतन मनन और चर्चा है, और जो आए हैं वो इतने बौद्धिक तौर पे हैं कि वो अपने आप में कहीं ना कहीं लीडर हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। मैं क्योंकि एक फॉर्मेलिटी होती है तो मैं स्वागत का जो एक आयोजन समिति की तरफ से होता है, मैं पुनः आज के कार्यक्रम हिंडन मंथन की अध्यक्षता कर रहे पूर्व विधायक श्री कृष्णवीर सरोही जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे मुख्य वक्ता जो एक साइंटिफिक कम्युनिटी से हैं, जो सही में जानते हैं कि किस तरीके से हिंडन नदी को हम कैसे बचा सकते हैं या किस तरीके से जो उसका एक प्राचीन स्वरूप था उसको वापस ला सकते हैं, और जो देश की जिम्मेदारी जिस केंद्र के ऊपर है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके एडिशनल डायरेक्टर श्री VP यादव जी हमारे बीच में उपस्थित है आज मुख्य वक्ता के तौर पर। मैं बता दूं यादव साहब इतने मिलनसार और इतने एक साफ स्वच्छ छवि और अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। मैंने इनके साथ गंगा के जब नमामि गंगे का मैं भी CPCB में था, आपके नेतृत्व में मैंने काम किया, तो हम 5-5, 6-6 किलोमीटर एक फुलडेरा ड्रेन है जो सिंभावली वाला ड्रेन जाके मिलता है एक गाँव में, हम 5-6 किलोमीटर जंगल में चले थे उस ड्रेन को कहाँ वो उसका मतलब गंगा नदी में वो मिलता है, तो पैदल चले पसीना सब कुछ, तो ऐसे इतने बड़े वैज्ञानिक जब जमीन पर काम करते हैं तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपने आप में रेगुलेटरी बॉडी है और
नीति निर्माता है तो उनका रिप्रेजेंटेशन आप कर रहे हैं, और साइंटिफिक तौर पे जो इंटरनेशनल लेवल पर रिसर्च कर रहे हैं पानी के ऊपर, गंगा और यमुना पे बहुत बड़ा काम किया है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर प्रोफेसर सिराजुद्दीन अहमद साहब, आप जामिया मिल्लिया इस्लामिया में वरिष्ठ प्रोफेसर हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे समाज सेवी और एनवायरमेंटलिस्ट जो है एक्टिविस्ट के तौर पर काम करते हैं आप, और राजेंद्र सिंह जलपुरुष, आपकी बहुत बड़ी टीम देश में काम करती है। ज्ञानेंद्र रावत साहब, आप एनवायरमेंटलिस्ट हैं, एक्टिविस्ट हैं, राइटर हैं, जर्नलिस्ट हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देवेंद्र कुमार, क्योंकि नेहरू युवा केंद्र हमने ये कोशिश करेंगे हम आने वाले समय में कि जहाँ जहाँ भी इनकी टीम है, जिन गांव में जो गांव आसपास हैं हिंडन के, उनके बीच में जाके हम काम करें, तो आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा, आपका स्वागत हम करते हैं। और सत्येंद्र जी, जिनका आप सभी जानते हैं, जो उत्थान समिति के अध्यक्ष हैं, और उनका काफ़ी योगदान इस कार्यक्रम में, इसे कराने में, सारा सब कुछ आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने एक ऐतिहासिक हिंडन महोत्सव किया जिसमें बड़े बड़े रंग कार्यक्रम भी हुए, तो आपका बहुत बहुत स्वागत किया। आप तो खुद आयोजक हैं, और हमारे सुहासिनी जी बैठी हुई हैं, मैं पुनः आपका भी इस्तकबाल कर दूँ। और कुछ लोग जो मंच पर, क्योंकि एक सीमा होती है, लेकिन मन से अलग भी अपने आप में, जो शायद हम उस लायक नहीं, हमसे बड़े कद वाले और ज़्यादा काम करने वाले मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आप इसे अन्यथा ना ले कि कई बार होता है कि वो बैठना कोई उचित नहीं होता। तो हमारे बीच में बहुत वरिष्ठ लेवल पे काम करने वाले नदियों के लिए वाटर पे, हमारे बीच में संजय कश्यप जी हैं, मैं चाहूँगा एक बार खड़े होकर आप अपना, क्योंकि मास्क लगाया हुआ है, बहुत देर बाद पहचान में आए, आज ये भी दिक्कत है कि कई लोग पहचान में नहीं आए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आप वक्ता हैं, आपकी बात हम सुनेंगे। ममता गुप्ता जी और हमारी डॉक्टर सरोज सिरोही जी, डागर साहब, डॉक्टर सी एम मीना, डॉक्टर गीतांजलि सगीना दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर कविता खटाना आप गलगोटिया में प्रोफेसर हैं, और डॉक्टर रिंकल शर्मा जी आप शारदा यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, और कर्णिका आप जीबीयू में फैकल्टी हैं, और संध्या मिश्रा जी एनआरसी में आप प्रोफेसर हैं। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे पीछे कुछ एक्टिविस्ट साथी बैठे, मैंने पहले भी परिचय कराया था कि सेलिब्रिटी हैं, रविंदर चौधरी जी मुंबई में, और भगत राम के तौर पर आपका एक अपना एक मतलब एक पोर्टल भी है, और आप बड़े लेवल पर काम करते हैं। हमारे बीच में आप टीम के साथ पहुँचे हैं, ओके ओके, उन्हीं के साथ किशन चौधरी जी समाज सेवी, और अमित कुमार बिजेंदर जी किसान नेता हैं, एक्टिविस्ट हैं, और जगत नागर जी हमारे फाउंडर मेंबर हैं ईएचडीए के, और डॉक्टर नदीम जी, किशन रविंदर चौधरी जी, नवीन वर्मा जी, संदीप जी, राकेश जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, और राज शर्मा जी, प्रशांत वज जी, मैं सभी का, रवि अहमद साहब, नदीम जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी का नाम छूट गया हो माफ़ी चाहूँगा, कई बार कुछ लोग पहचान में भी नहीं आए हैं। मैं सिर्फ दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूँ। हाँ जी, डी पांडे निदेशक का। अच्छा जी, अच्छा अच्छा जी डी अच्छा नहीं तो मैडम जी डी पांडे जी, जो हमारे उद्यान प्रभाग जिनकी वजह से कार्यक्रम हो रहा, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप दोनों पदाधिकारियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सिर्फ दो मिनट में मैं, क्योंकि हम लोग सुनेंगे, मैं संक्षिप्त में बता दूं कि कार्यक्रम हमने क्यों आयोजित किया, क्या इसकी रूपरेखा है। देखिए, हिंडन हरनंदी एक प्राचीन नदी है, और हम जानते हैं कि सभी नदियां ऐतिहासिक धरोहर होती है। जितनी भी हम सभ्यता की बात करेंगे, जो भी हमारी बड़ी बड़ी सभ्यताएँ हैं, या जो बड़े शहर विकसित हुए हैं, चाहे आप हिंदुस्तान के शहरों की बात करें, या आप दुनिया के अन्य शहरों की बात करें, वो सारी सभ्यताएं, बड़े बड़े शहर किसी ना किसी नदी पे ही आश्रित हैं, और उसी के आसपास उन सभ्यताओं का, उन शहरों का एक जो उद्धार वो हुआ है। ऐसे ही अगर हम बात करें, गंगा नदी पे बहुत काम होता है, यमुना नदी बहुत फेमस है, ठीक है, उनका संगम इलाहाबाद में, पूजा होती है, सब होते हैं, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, हिंडन नदी हर नदी को भूल जाते हैं। और हिंडन नदी को हम लोगों ने, हम लोगों का मतलब मैं खुद भी शामिल हूँ, जैसे सर से बात हो रही थी कि आज तक हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि कौन स्टेक होल्डर है इसका, जो इसमें पॉल्यूशन करता है। मैंने काफ़ी अध्ययन किया, मैंने ये देखा
कि अगर हम देखेंगे तो 25-30 साल के रिसर्च पेपर भी आपको जर्नल्स और इंटरनेट पे लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। आप देखेंगे उस समय भी ट्रेस मेटल डीओ लेवल कम बीओडी सीओडी की काफी कंसंट्रेशन थी। उसके बाद इतने बजट आए, नए नए एक्शन प्लान आए, लेकिन अभी भी अगर आप सीपीसीबी या यूपीसीबी का डाटा देखेंगे तो आपको एक मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी, मैं कहूंगा रिवर, सॉरी मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर, अगर हिंदुस्तान की आप सबसे प्रदूषित नदियों की बात करेंगे तो शायद सर डाटा ठीक करेंगे, पर 4-5 पॉल्यूटेड नदियों में हम हिंडन का भी नाम लेंगे। और क्योंकि गाजियाबाद में कार्यक्रम कराने का यह प्रायोजन है कि 7 जो जिले हैं जिनसे हिंडन मतलब निकल के सहारनपुर से जहां उद्गम है और ग्रेटर नोएडा गौतम नगर में जहां यमुना में ये नदी मिलती है, 7 जिले में जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है वो गाजियाबाद के द्वारा है। और 3 मुख्य तौर पर इसमें कल्पित है। पहले नंबर पे मैं देखता हूं कि अगर ओवरऑल हम बात करें तो सीवेज जो नगरों का सीवेज है जो मलमूत्र निकलता है वो सीधा अनट्रीटेड सीवेज काफी मात्रा में सीधा ड्रेन के माध्यम से इसमें जाता है, जो कहीं ना कहीं प्रशासनिक जिम्मेदारी हमारी बनती है। उद्योगों का काफी बड़े लेवल पर इफ्लुएंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत टेक्निकल उसमें नहीं जाऊंगा, वो भी हमारे नदियों में जाता है। तीसरे नंबर में जो हम जैसे पॉइंट सोर्स और नॉन पॉइंट सोर्स की बात करते हैं तो नॉन पॉइंट सोर्सेज हम देखते हैं कि नदी के आसपास के जितने तालाब है वो इनक्रोचमेंट हो गए हैं, उन पर कब्जे कर लिए गए हैं, हम पेस्टिसाइड जहरीले तत्व तो अपनी कृषि में यूज करते हैं, ऑर्गेनिक खाद हम यूज नहीं करते, रासायनिक खाद यूज करते हैं, उन सब का थोड़ा थोड़ा जो पानी के साथ है वो हमारे सॉइल को तो कंटामिनेट करते ही है, लेकिन साथ के साथ वो हमारी नदी में भी जाते हैं और नदी का पानी भी पॉल्यूटेड होता है। और अब ये भी स्टडी सामने आई है, मैं पढ़ रहा था एक अमेरिकन जर्नल में रिपोर्ट छपी है कि जो टॉक्सिक लेड कैमियम कैडमियम क्रोमियम आर्सेनिक कोबाल्ट जो नदी के पानी में है वो जो आसपास में वहाँ खेती होती है जो वहाँ की सॉइल है उसमें भी वही कंटामिनेंट्स हैं। और काफ़ी रिपोर्ट आई है कि काफ़ी जगह नदी के आसपास के गांवों में कैंसर जैसी बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। तो एक चिंता का विषय है कि ऐसा क्या कारण है कि बहुत सारे एक्टिविस्ट सहारनपुर से लेकर गौतम नगर तक इसमें काम कर रहे हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे गाजियाबाद का स्टेट लेवल के वो भी काफी काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन भी बोलती है, जिला प्रशासन भी अपना पूरा हक अदा कर रहा है, लेकिन ऐसा क्या कारण है कि आज भी स्थिति ऐसी की ऐसी है? तो क्या कोई समाधान निकल सकता है? ये एक प्रयास है, मैं ये नहीं कहता कि आज ही हम ये मीटिंग करेंगे और हिंडन नदी साफ हो जाएगी। तो कुछ बातें हम सुनेंगे, उसे नोट करेंगे और उसके बाद हम एक वाइट पेपर लाने की कोशिश करेंगे। अगर हमें लगेगा कि जरूरत पड़ेगी तो हम और वैज्ञानिकों को बुला के 1-to-1 बात करके और इस पर एक मतलब लोगों के द्वारा संस्थाओं के द्वारा जन भागीदारी के द्वारा किस तरीके से हमारा वर्क प्लान हो सकता है उसको हम बनाएंगे। तो यही इसका उद्देश्य मैं चाहूंगा और समय का ध्यान रखें, मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है, 5 मिनट में कोशिश करें। अगर कोई बात रिपीट करने की हम कोशिश ना करें, अगर कोई नई बात है हम जो हमारे सामने बैठे हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि अपनी बात रखें। तो और कुछ इसमें एक समाधान की तरफ हम आने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी भूपेंद्र नागर जी भी आए हैं, आपका स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जितेंद्र नागर, और वाकई आपने तमाम पहलुओं को थोड़ा 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 छूने का जो प्रयास किया है वो एक आगाज़ है कि किस विषय में हम आगे बढ़कर के विस्तारपूर्वक उन पर चर्चा होगी।